बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर एंजॉयिंग गुड हेल्थ। लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज लेसन, चैप्टर 21, टॉपिक इस्लाम फर्स्ट रीचेस द सब कॉन्टिनेंट। लेसन 15, पेज नंबर 94, 95 and 96। The arrival of Muslim Arabs in Sindh in the early 8th century was the beginning of a very important new chapter in the subcontinent's history. And the rapid spread of Islam has been discussed in the last chapter. That how Islam spread in this region, in the region of subcontinent. By 712, Islam had spread westwards from Mecca through the Middle East. 712 की जो सदी थी उसमें इस्लाम वेस्ट की तरफ मक्का से फैलना शुरू हुआ था, मिडल ईस्ट तक, थ्रू द मिडल ईस्ट and along the north coast of Africa, then in Spain and France. फिर इस्लाम अफ्रीका के नॉर्थ कोस्ट की तरफ, स्पेन की तरफ और फिर फ्रांस की तरफ इस्लाम जो है वो फैलना शुरू हुआ. एंड देन ईस्टवर्ड्स इट हैड रीच्ड सेंट्रल एशिया, फिर ये ईस्ट की तरफ एशिया तक पहुँचा, ईरान और देन अफ़गानिस्तान, फिर ये अफ़गानिस्तान तक पहुंचा. एंड अरब ट्रेडर्स वर सेलिंग टू द कोस्ट ऑफ इंडिया, और जो अरब के ट्रेडर्स थे, ताजर थे, वो इंडिया की तरफ आते थे, इंडिया के कोस्ट की तरफ आते थे, श्रीलंका की तरफ आते थे, एशिया के साउथ ईस्ट की तरफ आते थे. एंड मोस्ट ऑफ दीज शिप्स के ज़रिए आते थे, इनके ज़रिए वो ट्रेड करते थे, तजारत करते थे, और पर्शियन गल्फ के रास्ते ये सेलिंग करते थे. एंड अलॉन्ग द मकरान कोस्ट, मकरान कोस्ट का जो ये रास्ता था बाय सी, ये शिप्स के लिए यूज़ करते थे. और इनके पास बहुत ही कीमती जो कार्गो का सामान होता था वो होता था इनके साथ. और समटाइम्स ऐसा होता था कि इन काफलों को, इन लोगों को, ताजरों को पायरेट्स जो होते थे, जो समुंदर में जो लूट मार करते थे डाकू, वो इनको, इनके ऊपर अटैक करते थे और इनको लूट लेते थे. एंड नियर द पोर्ट ऑफ डाइबल, नॉट फार फ्रॉम वेयर कराची नाउ स्टैंड्स, जो ये डाइबल का मुकाम है, ये पोर्ट थी, बंदरगाह थी उस वक्त, जो कि अब कराची के करीब है. यहाँ पर इन पायरेट्स ने लूट मार की थी. और इन्होंने क्या किया था, इन्होंने इन 710 सेंचुरी में इन्होंने एक अरबी शिप थी, अरब शिप थी, उसको इन्होंने सीज्ड मींस के लूट मार की थी. और बहुत ही एक्सपेंसिव गिफ्ट्स थे और इनके पास सामान था बहुत एक्सपेंसिव इस शिप पे, जो लोग थे उनके पास, तो इन्होंने उस सामान को लूट लिया था और जो उस पे लोग थे उनको अपना स्लेव बना लिया था, ग़ुलाम बना लिया था. फ्रॉम द किंग ऑफ श्रीलंका टू कैलिफ वलीद इन डमास्कस. और ये जो गिफ्ट्स थे और जो स्लेव्स थे, ये एक्सपेंसिव सामान और जो गुलाम थे, ये किंग ऑफ श्रीलंका की तरफ से ले जाए जा रहे थे कैलिफ वलीद के पास, जो कि डमास्कस में उस वक्त कैलिफ था, उसके लिए गिफ्ट लिए लेके जा रहे थे लोग. एंड कैलिफ वलीद डिमांडेड दैट राजा दाहिर ऑफ सिंध should return the prisoners and treasures. उसने कहा कि राजा दाहिर था उस वक्त हुक्मरान सिंध का, तो कैलिफ ने उससे कहा कि, उससे डिमांड की इन कैदियों को और ये जो सामान है, ये हमें ख़जाना जो है ये हमें रिटर्न किया जाए. लेकिन जो राजा था उसने रिफ्यूज़ कर दिया था कि मेरा पायरेट्स पे, जो समुंदर में लूट मार करते हैं, उन पर कोई भी कंट्रोल नहीं है. एंड द गवर्नर ऑफ ईस्टर्न अरब एम्पायर
then sent an army under the command of his 17-year-old nephew Muhammad bin Qasim to the region. फिर गवर्नर ने क्या किया था कि मोहम्मद बिन कासिम के अंडर एक काफ़ला भेजा था जिसकी कमांड कर रहे थे 17 ईयर्स ओल्ड उनके जो नेफ्यू थे मोहम्मद बिन कासिम. वो आए, उन्होंने बड़ी बहादुरी से मुकाबला किया था और ये सामान और जो स्लेव्स उन्होंने बनाए हुए थे इसको अपने कब्ज़े में किया था और फिर उन्होंने इस रीजन को भी कैप्चर कर लिया था, दैबल को, दैबल का रीजन. और जो राजा दाहिर था वो मारा गया था इस जंग में. एंड देन द अरब्स मार्च्ड इनलैंड अलोंग द इंडस वैली. फिर यहाँ से काफला समुंदर से ज़मीन की तरफ आया था, इंडस वैली के रास्ते, इंडस वैली की तरफ. फिर मुल्तान में, साइवान में, सिंध में और पंजाब का जो साउदर्न पार्ट था यहाँ पे भी आर्मीज़ ने सरेंडर किया था. तो फिर ये इलाके जो थे वो अरब टेरिटरी में आ गए थे, उनके अंडर कंट्रोल आ गए थे. एट फर्स्ट द न्यू टेरिटरी वाज पार्ट ऑफ द कैलिफेट. पहले तो ये जो खिलाफत चल रही थी उस वक्त उनके अंडर ये इलाके आते थे, लेकिन फिर 871 में यहाँ पर दो इंडिपेंडेंट मुस्लिम स्टेट्स बना दी गई थी और मोहम्मद बिन कासिम को दोबारा से रिकॉल कर लिया गया था इराक में. बट जो सिंध था वो अरब एम्पायर के अंडर ही रहा फॉर द नेक्स्ट 200 ईयर्स. 2 सालों तक जो सिंध था वो अरब एम्पायर के, जो अरब में जो एम्पायर चल रही थी उन्हीं के अंडर रहा था. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रिफॉर्म्स मेड बाय द अरब्स फॉर द पीपल ऑफ सिंध. अरब्स जो एम्पायर थी उस एम्पायर ने सिंध के लोगों के लिए कौन कौन सी रिफॉर्म्स की थी, यहाँ पर क्या क्या किया था इस रीजन के लोगों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए, इन तमाम पॉइंट्स को हम डिटेल से डिस्कस करते हैं. द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप्स टेकन बाय द अरब एम्पायर फॉर द पीपल ऑफ सिंध आर इम्पॉर्टेंट फॉर देयर फेयरनेस टू द लोकल पॉपुलेशन. वो यहाँ की लोकल पॉपुलेशन के साथ फेयर थे अरब एम्पायर्स. गवर्नर्स वर अपॉइंटेड बाय द अरब्स. यहाँ पे गवर्नर्स जो हैं वो मुख्तलिफ जगहों पे अपॉइंट किए गए थे जो यहाँ की एक्चुअल एडमिनिस्ट्रेशन को, यहाँ की इंतज़ामिया को देख रहे थे. यहाँ अपॉइंट किए गए थे गवर्नर्स, लेकिन जो यहाँ की एक्चुअल एडमिनिस्ट्रेशन थी, असल में जो इंतज़ाम यहाँ का जो चलाया जाता था वो यहाँ के लोकल पीपल ही चला रहे होते थे. गवर्नर तो अपॉइंट किए गए थे लेकिन लोग भी एडमिनिस्ट्रेशन को, इंतज़ामिया को देख रहे थे. और जो मुस्लिम्स थे और जो नॉन मुस्लिम्स थे उनसे एक टैक्स लिया जाता था. नॉन मुस्लिम जो टैक्स पे करते थे उसे जिजिया टैक्स कहा जाता था और जो मुसलमान होते थे वो ज़कात की सूरत में जो है वो टैक्स देते थे. इसके अलावा काजीज वर अपॉइंटेड टू रिजॉल्व डिस्प्यूट्स बिटवीन मुस्लिम्स वाइल नॉन मुस्लिम्स रेफर्ड देयर प्रॉब्लम्स टू देयर ओन चीफ्स और प्रीस्ट्स. नॉन मुस्लिम्स जो थे वो उनके दरमियान अगर कोई, जो मुस्लिम्स होते थे उनके दरमियान अगर कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता था मुसलमानों के दरमियान तो वो काजीज इनको सॉल्व करते थे, जबकि जो नॉन मुस्लिम्स होते थे वो अपने जो चीफ्स होते थे, जो अपने बड़े उनके सदर होते थे, रहनुमा होते थे, वो उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते थे. और जो उनके प्रीस्ट होते थे, पादरी या इमाम होते थे, वो उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते थे. एंड बिसाइड्स द कंस्ट्रक्शन ऑफ मॉस्क मसाजिद भी जो है वो उनकी भी कंस्ट्रक्शन जारी थी, बनाई जा रही थी मसाजिद. इसके अलावा जो टेम्पल्स होते थे उनको भी बिल्ड किया जा रहा था और जो पहले से रिपेयर होने के काबिल होते थे तो उनकी रिपेयरिंग भी की जा रही थी. एंड द अरब्स मैरिड अमंग द सिंधीज एंड सेटल्ड डाउन इन सिंध एंड द इंट्रैक्शन बिटवीन द टू रेसिस विच वॉज अ रिच कल्चरल ब्लेंड. यानी कि मुख्तलिफ ये जो अरब्स जो थे वो सिंध में आके शादियां करते थे जिससे यहाँ पर एक कल्चरल ब्लेंड हो रहा था, क्योंकि मुख्तलिफ जो उधर के अरब के जो लोग थे, अरब के जो लोग थे वो सिंधियों से मुख्तलिफ थे, सिंध के लोग उनसे मुख्तलिफ थे. तो ये दोनों रेसेस जो थी, वो कास्ट जो थी वो आपस में मिल रही थी जिनसे कल्चरल जो था वो काफ़ी कलरफुल हो गया था, यानी कि काफ़ी वेराइटी आ गई थी कल्चर में. अरबिक उस वक्त जो थी वो ऑफिशियल लैंग्वेज थी,
और सिंधी वॉज द फर्स्ट ईस्टर्न लैंग्वेज फॉर द ट्रांसलेशन ऑफ कुरान, ट्रांसलेशन जो है वो कुरान की करने के लिए, क्योंकि सिंध के लोग थे वो सिंधी बोलते थे, तो ये इस लैंग्वेज में कुरान को ट्रांसलेट किया जा रहा था। और जो हुक्मरान थे वो लोगों के साथ बहुत अच्छा जो है वो सलूक करते थे, और जो नॉन मुस्लिम्स होते थे उनको वॉरशिप की इजाज़त होती थी अपने मज़हब के मुताबिक, और जो हिंदू थे उनको जो वो जॉब्स कर रहे थे जो ऑफिस में, तो उनको भी वो जॉब्स जारी रखने की परमिशन थी, उनको जॉब से नहीं निकाला गया था। एंड विद द लैंड नाउ फ्री फ्रॉम पायरेट्स, अब यहाँ पे कोई डाकू या लुटेरे या चोर चक्के नहीं थे, जिससे द नंबर ऑफ मुस्लिम ट्रेडर्स इंक्रीज रैपिडली, जिससे क्या हुआ कि तिजारत को बहुत ज़्यादा फ़्रोग मिला और जो यहाँ पे मुस्लिम ट्रेडर्स थे वो तेज़ी से बढ़ने शुरू हो गए। द अरब्स लर्नड अ लॉट अबाउट एस्ट्रोनॉमी एज वेल एज गुड्स दे टुक बैक टू अरेबिया एंड पर्शिया एंड मैनी न्यू आइडियाज सच एज हाउ टू नेविगेट देयर शिप्स बाई यूजिंग द स्टार्स एंड मच नॉलेज अबाउट मेडिसन्स। तो ये सारी चीज़ें जो थे वो अरेबिया और जो पर्शिया के जो लोग थे वो सीख रहे थे, और यहाँ से नॉलेज लेके वो वापस अरेबिया में और पर्शिया में जाकर वहाँ पर भी ये नॉलेज को फैला रहे थे। इसके अलावा उन्होंने मैथ्स के बारे में सीखा एंड स्पेशली द यूज़ ऑफ ज़ीरो विच लेटर लेड टू मैनी इम्पॉर्टेंट डिस्कवरीज। और ये जो यूज़ ऑफ ज़ीरो था बाद में इसकी वजह से बहुत सी इम्पॉर्टेंट डिस्कवरीज हुई थी ड्यू टू द यूज़ ऑफ ज़ीरो। और इतने अच्छे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की वजह से बहुत से लोग जो थे वो ऑटोमेटिकली ही इस्लाम की तरफ कन्वर्ट होना शुरू हो गए थे, इतना अच्छा सलूक देखे मुसलमान हुक्मरानों का। एंड इन द 10th सेंचुरी एंड एट द एंड ऑफ दिस सेंचुरी अ न्यू ग्रुप ऑफ मुस्लिम्स इन्वेडेड द सब कॉन्टिनेंट दिस टाइम एंड दे केम फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट थ्रू द खैबर पास जो कि अब भी पाकिस्तान में है। एंड द मुस्लिम्स वर द गजनाविद्स। द गजनाविद्स वर मुस्लिम्स हुज एम्पायर स्ट्रेच्ड फ्रॉम सेंट्रल एशिया टू अफगानिस्तान। गजनाविद्स जो थे ये भी मुसलमान थे और इनकी जो एम्पायर थी ये सेंट्रल एशिया से लेके अफगानिस्तान तक फैली हुई थी, और इन्होंने अफगानिस्तान में गजनी को कैपिटल बनाया था नियर कंधार। एंड द किंग ऑफ गजनाविद्स सबकतगिन, जिसने 977 से लेकर 97 तक जो है वो रूल किया था, इसने बहुत से रेड्स हमले किए थे खैबर पास के ज़रिए नॉर्थ वेस्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, और बहुत ज़्यादा इसने ख़जाना जो है वो इन हमलों में इकट्ठा किया था, और ग़ुलाम इसने बहुत से लोगों को ग़ुलाम बनाया था। एंड द लेटर एडिड द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द पंजाब टू हिज मुस्लिम एम्पायर, और फिर बाद में इसने जो पंजाब का रिमेनिंग पार्ट था उसको अपना इसने मुस्लिम एम्पायर का पार्ट बना लिया था। हिज सन नोन एज महमूद ऑफ गजनी कंटिन्यूड द रेड्स इनटू इंडिया फॉर अनदर 30 ईयर्स, और जो सबकतगिन का बेटा था महमूद ऑफ गजनी उसने सब कॉन्टिनेंट पे इंडिया पे मज़ीद अगले 30 ईयर्स तक, 30 सालों तक उसने यहाँ पर हमले जो थे वो जारी रखे थे। एंड ही वॉज़ वेरी फेस इन डिस्ट्रॉइंग हिंदू टेम्पल्स, हिंदू टेम्पल्स को वो बहुत ज़्यादा तादाद में गिरा रहा था, और बहुत फेस मीन्स पुरजोश था, गज़बनाक था टेम्पल्स को गिराने में, बट अदरवाइज अ फेयर एंड जस्ट रूलर, लेकिन इसके अलावा वो बहुत इंसाफ पसंद और एक अच्छा हुक्मरान था। एंड ही अलाउड नॉन मुस्लिम्स टू फॉलो देयर ओन रिलीजन एज लॉन्ग एज दे पेड द टैक्सेस, और जो नॉन मुस्लिम्स थे उनको अपना रिलीजन फॉलो करने की इजाज़त थी और वो टैक्सेस भी देते रहे थे, और इसने बहुत से हिंदू जो थे उनको अपनी आर्मी में पोस्ट दी थी, जगह दी थी एज ए आर्मी ऑफिसर्स अपनी जॉब्स को जारी रखने के लिए। और वो कैपिटल सिटी गजनी को बहुत ही खूबसूरत सिटी बनाना चाहता था थ्रू आउट द वर्ल्ड, इसलिए वो यहाँ पर बहुत से आर्टिस्ट आर्किटेक्ट म्यूजिशंस और राइटर्स और साइंटिस्ट लेकर आया था फ्रॉम द सब कॉन्टिनेंट टू सेटल देयर। उसने यहाँ से लोगों को वहाँ पर ट्रांसफ़र किया था
इन पेशावर लोगों को, ताकि उसका जो कैपिटल सिटी था गजनी वो बहुत अच्छा और खूबसूरत शहर बन जाए पूरी दुनिया में। एंड द ग्रेट ट्रेड रूट जो कि सिल्क रोड था, ये चाइना से वेस्ट की तरफ जाता था गजनाविद एम्पायर में इन सेंट्रल एशिया। और जो गजनाविद रूलर्स होते थे वो टैक्स लेते थे ताजरों से जो इस रोड से गुजरते थे, जिससे ये बहुत ज़्यादा अमीर हो गए थे ये लोग इन टैक्सेस को इकट्ठा करने से। और इसके अलावा वो ख़ुद भी कुछ चीज़ों की तिजारत करते थे, जैसे गन पाउडर, टी, पेपर वगैरह, इस चाइना से ये सब कॉन्टिनेंट की तरफ। और कॉटन, शुगर, स्पाइसेस और परफ्यूम्स जो थे वो ये सब कॉन्टिनेंट टू चाइना एंड यूरोप। और इस वजह से ट्रेड जो थी वो बहुत तेज़ी से आगे जा रही थी। एंड व्हेन महमूद डाइड द गजनाविद एम्पायर ब्रोक अप इनटू स्मॉलर स्टेट्स एंड ऑल फाइटिंग फॉर पावर। जब महमूद की डेथ होगी इसके बाद जो गजनाविद एम्पायर थी ये छोटी छोटी इसकी रियासतें बन गई थी। महमूद ने तो ख़ुद बहुत बड़ी रियासत में जो है वो हुक्मरानी की थी, उसकी डेथ के बाद जो ये एम्पायर थी इसके छोटे छोटे टुकड़े हो गए थे। और सबका मकसद जो होता था वो फाइटिंग का, वो पावर लेना होता था। अंडरस्टूड? इंशाल्लाह इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस नेक्स्ट एम्पायर्स ऑफ दिस रीजन। Now come to page number 99, questions and activities. Question number 1 is, do you think Muhammad bin Qasim was a popular ruler and why? वो अगर famous ruler था तो वो क्यों था, आपने reason बतानी है। Muhammad bin Qasim के बारे में आपने काफ़ी डिटेल से पढ़ा है पहले भी, पिछले lessons में भी और आज के lesson में भी। He was popular and famous because of his fair-mindedness, sense of justice and his humane and tolerant approach, लोगों के साथ जो वो बहुत तहमुल से और खुश मिजाजी से और बर्दाश्त जो उसके अंदर थी और वो सब के साथ एक जैसा सलूक करता था, इस वजह से वो उसकी जो रिफॉर्म्स थी वो लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मंद थी, लोगों को उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ था, लोगों के लिए वो फ्रूटफुल साबित हुई थी। तो इस वजह से मोहम्मद बिन कासिम बहुत ही ज़्यादा फेमस रूलर था। एंड यस ही वाज। क्वेश्चन नंबर 2 इज़, व्हाई डू यू थिंक वाज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल रूलर ऑफ द गजनाविद डायनेस्टी? गजनाविद डायनेस्टी का कौन सा जो हुक्मरान था वो बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल था, जिसका रोल बहुत ज़्यादा था, जो कि बहुत ज़्यादा सोसाइटी के ऊपर जिसकी हुक्मरानी थी वो कौन था? और इसके साथ ही आपने रीजंस भी बतानी है। अभी अभी हम पढ़ कर आए हैं कि द गजनाविद रूलर डिस्क्राइब्ड इन डिटेल इन महमूद, ऑब्वियसली द मोस्ट वेल नोन फॉर हिज सेवरल इन्वेजन्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट विच मेड हिम वेरी रिच एंड पावरफुल। जी, महमूद जो कि जिसने हुक्मरानी की थी सब कॉन्टिनेंट में, गजनाविद रूलर था ये, गजनाविद एम्पायर का ये हुक्मरान था, तो ये इसने बहुत से हमले किए थे और बहुत से इलाके को अपने कंट्रोल में किया था और ये बहुत रिच और पावरफुल भी था। अंडरस्टूड? हियर इज़ एन वर्कशीट ऑफ चैप्टर 21। मैच द टर्म्स इन कॉलम ए विद देयर डिटेल्स इन कॉलम बी। ए कॉलम में जो है वो नाम दिए गए हैं, उनकी डिटेल बी कॉलम में है, या आपने एज इट इज़ कॉपी पे उतार कर इनके आंसर्स को मैच करना है। ठीक है, फर्स्ट वन इज़ राजा दाहिर। तो बी में जो ऑप्शंस दिए गए हैं राजा दाहिर के साथ, इसमें से कौन सी जो डिटेल है वो मैच होती है उसको हमने मैच करना है। और ये सारे आज के हमने लेसन में कवर किए हैं, आप इजीली ये कर सकते हैं, यू कैन डू इट बाय योर सेल्फ। सेकेंड इज़ मोहम्मद बिन कासिम, थर्ड इज़ सिंध एंड साउदर्न पंजाब, फोर सिंधी, फाइव द सिल्क रोड एंड सिक्स महमूद गजनवी। आई नो यू कैन डू इट, इट्स अ वेरी ईजी। अटेम्प्ट दीज टू क्वेश्चंस एंड match the columns on your neat notebooks. Thank you.